हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन द भांडेसर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद अपनी मुलाकात हो रही है और हाँ, बहुत दिनों से, चाहे वो ट्वेल्थ करने के बाद फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग या फिर अदर कोर्सेज के एडमिशन्स हो या फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन्स हो, तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है और आज से मेरे स्टेटस पे या फिर ग्रुप्स पे मैंने अपडेट कर दिया है। ये वीडियो मैं उन सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे इस एडमिशन प्रोसेस में शामिल होने वाले हैं। सो लेट मी टू एक्सप्लेन वन बाय वन। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट में निपटाऊंगा, 10 मिनट में पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। कुछ कॉमन होगी उसको स्किप करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वहां पे बल देंगे। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। एडमिशन्स प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 9th of December, मतलब आज से आपका एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया है। आपका लॉगिन आईडी क्रिएशंस एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग ये चालू हो गया है। लेकिन इस बार ये पैंडेमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण कुछ बदलाव इसके ऊपर आए हैं, जिसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पे हाजिर हूँ। पहली बात, इस बार एडमिशन प्रोसेस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ स्टूडेंट विद द कॉलेज कमिटीज, या कोई स्क्रूटिनी कमिटी होती है, ARC सेंटर होता है, FC सेंटर होता है, दे आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट दिस ईयर। उसकी जगह पे एक नई चीज का स्थापन किया गया है, उसका नाम है ई स्क्रूटिनी, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रूटिनी, मतलब आपका ऑनलाइन ही स्क्रूटिनी होगा। आपको इस बार आपको डॉक्यूमेंट्स लेके कोई भी कॉलेज में, कोई भी FC सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। आप आपके घर से, साइबर कैफे से, आपके मोबाइल से, या फिर कोई कॉलेज सर्विस दे रहा है बाय विश, तो वहां से आप ये सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं। पहली चीज जो है, मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशंस इंजीनियरिंग में कौन कौन ले सकता है। तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो बच्चे ने डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक, वो जिसने BSc किया है और DVOC जैसे कोई कोर्सेस है इक्विवेलेंट, वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में ले सकता है। 12 के बाद कौन से फर्स्ट ईयर में ले सकते हैं, आपको पता है PCB, PMT, CET, MHT, CET जिन्होंने दिया होगा, वो सारे बच्चे इसके अंदर एडमिट या इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली बात मैं बता देता हूं कि यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको ₹800 ऑनलाइन भरना पड़ेगा, और रिजर्व में आते हैं तो आपको 600। रिजर्व में ये सारी कैटेगरीज आती है, आप मेंशन करो, हम वक्त जाया नहीं करेंगे। तो ये ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, कैश पेमेंट वहां पे नहीं चलेगा, डेबिट क्रेडिट या फिर कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी से आप ये पेमेंट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, 9 तारीख से 14 तारीख के बीच में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस कर सकते हैं। मतलब वहां पे फीस भरने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, फिर आपका एक स्वतंत्र लॉगिन आईडी होगा, उसके अंदर जाके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे और आप अपनी कैटेगरी डालोगे तो नीचे वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देगा। अब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन से, जनरल है, यदि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो 10th की मार्कशीट लगेगी, डिप्लोमा की सारी मार्कशीट लगेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब TC लगेगी, उसके बाद में आपको आपका आधार कार्ड लगेगा, बैंक्स डिटेल्स, एक नेशनलाइज्ड बैंक में आपका अकाउंट लगेगा, आपका एक फोटो लगेगा, ये हो गया आपकी जनरल। इसके बाद में आपकी नेशनलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, आपका डोमेसाइल सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी नहीं है, नेशनलिटी तो भी आपको लगेगा। उसके बाद में आप रिजर्व कैटेगरी में जाते हैं तो फिर आप कास्ट का मैटर आ गया, तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और कास्ट वैलिडिटी लगेगा। कास्ट वैलिडिटी में बड़ा लफड़ा है, कास्ट वैलिडिटी यदि नहीं है तो वहां पे आप ऑप्शन चेक कीजिए वो मैंडेटरी है क्या, अन्यथा आपने अप्लाई किया होगा और उसकी रिसिप्ट आपके पास होगी तो भी आप वो वहां पे अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी जैसे जैसे उसके अंदर स्क्रूटिनी आएगी वो बताया जाएगा, ये चीज आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक जबरदस्त बात यह है कि इन्हीं के बीच में बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन 9 से 15 के बीच में होगा। मतलब 9 तारीख को आपने फॉर्म भरा तो यहां पे एक चीज ऐसी है कि ई स्क्रूटिनी हर कॉलेज में दी गई है, तो आप जब ऑप्शंस फॉर्म भर रहे हो तो आपका फॉर्म कहाँ पे जाएगा ये आपको दिखेगा कि आपकी स्क्रूटिनी कौन से कॉलेज ने की है, लेकिन आपके पास ये चॉइस नहीं होगी कि मेरी स्क्रूटिनी फलाना फलाना सेंटर पे जानी चाहिए। नो, इट विल बी रैंडमली प्रोसेस्ड एंड इट इज गिवन टू एनी ऑफ द अथॉरिटी। तो आपको दिखेगा कि ये अथॉरिटी मेरा वेरिफिकेशन कर रही है। एकदम सिंपल उदाहरण देखे, आपने ये डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं, आपने डाले हुए डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है ये देखना उनकी जिम्मेदारी है। वो आपके कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे लेकिन उनके लॉगिन आईडी वो आपका वेरीफाई कर रहे हैं और आपको स्टेटस दे रहे हैं। यदि मान लीजिए आपका स्टेटस क्या आ सकता है, तो वो ई स्क्रूटिनी एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड डू, ये देखिए
यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा बाय महाराष्ट्र स्टेट शैल फिल ऑनलाइन फॉर्म अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी ऑफ द कंप्यूटर कैंडिडेट नीड्स टू हैव विजिट ई स्क्रूटिनी नीड नॉट टू हैव टू विजिट द ई स्क्रूटिनी सेंटर कैंडिडेट को ई स्क्रूटिनी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है फॉर वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ये कहाँ से होगा आपके लॉग इन आई डी से ही होगा अब एक तुरंत सवाल बनता है कि सर इसके अंदर कौन कौन से एरर आ सकते हैं बड़ा जबरदस्त सवाल है देखिए यदि आपने फॉर्म भरा कोई स्क्रूटिनी नहीं है नो एरर फाउंड तो आपका जो एप्लीकेशंस का कंफर्मेशन होगा वेरिफिकेशन इफ नो एरर फाउंड द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट्स लॉगिन ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा ये कॉपी आपको अवेलेबल है इंटरनेट पे आप देख लो मतलब आपकी कोई स्क्रूटिनी नहीं है एरर ही नहीं है तो आपका कंफर्मेशन और लॉगिन वो आपको करना पड़ेगा खुद आपके लॉगिन पे जाके स्क्रूटिनी सेंटर को ये अधिकार नहीं है कंफर्मेशन का वो सिर्फ बताएगा क्या एरर है यदि एरर आया है तो एरर को करेक्ट करने के लिए वो फॉर्म फिर से रिवर्ट किया जाएगा आपके लॉगिन आईडी में आप फिर से जाइए उसके अंदर करेक्शंस कीजिए फिर से अप्लाई कीजिए वो बताएगा एरर है क्या ऐसा तब तक कीजिए जब तक नो एरर आएगा तो बड़ी कसरत वाली प्रोसेस है कुछ नहीं है आप बराबर से पढ़ाई करके जाओ कि ये डॉक्यूमेंट्स ये होना ये साइन होना ये होना उतना आप डाल दीजिए आपका नो एरर आ जाएगा फिर कंफर्म कीजिए तो ये हो गया आपकी कंफर्मेशन की प्रोसेस यदि आप कैंडिडेट शाल एडिट एंड रिवर्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम 9 से 14 के बीच में एंड रीसबमिट द एप्लीकेशन इन ई स्क्रूटिनी थ्रू और हर लॉगिन उसके बीच में ही आप उसको स्क्रूटिनाइज करके डाल सकते हैं उसके बाद में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि यदि कोई बच्चा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी के बाद में आता है 5 PM ऑनलाइन वेरिफिकेशन अदर देन कैप यदि आप इस डेट को वायलेट कर रहे हो तो 14 जनवरी के बाद में आप नॉन कैप के लिए अप्लाई कर सकते हो बाय स्क्रूटिनी सेंटर वो वेरिफिकेशन एप्लीकेशन रजिस्टर आफ्टर 14 दिसंबर जो होगा वो नॉन ये इंपॉर्टेंट है 14 तारीख को छोड़ो मत 14 के बाद में जो जाएगा वो नॉन कैप में चला जाएगा सीधा कन्फर्म स्क्रूटिनी सेंटर आफ्टर 15 दिसंबर शैल बी कंसिडर्ड नॉन कैप उसके बाद में कन्फर्म जो होगा वो भी नॉन कैप में चला जाएगा ये तो सिंपल चीज आप समझते हैं उसके बाद में क्या होगा चलिए क्या किया हमने 600 रुपए 800 रुपए पेड के लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला वहां पे पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड किए कोई एरर नहीं आया कंफर्म कर दिया अब कंफर्म करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका नाम आएगा आपका कैटेगरी का मेरिट नंबर आएगा मेन कैटेगरी नंबर आएगा सब ग्रुप ये सारी चीजें आपके ऊपर डिस्प्ले होगी इसमें बड़ी गंभीरता से देखना है आपका नाम बराबर है आपके परसेंटेज बराबर है आपके नाम में पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक तो नहीं है ये सारी चीजें देखो यदि मिस्टेक है तो फिर से आपको सबमिशन ऑफ द ग्रीवेंसेस एनी ग्रीवेंसेस यू कैन डू दी सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस 18 और 19 के बीच में आप ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं कोई चेंज है तो कभी कभी क्या होता है मान लीजिए आपके डिप्लोमा के परसेंटेज 76.42 है और गलती से उसने 76.36 लिख दिए इतने का डिफरेंस आ गया तो आपके परसेंटेज तो एक्चुअली ये है तो ये वाली मार्कशीट अपलोड करके इसको स्क्रूटिनाइज कीजिए जब आप ये करेंगे तो हो सकता है आपका मेरिट नंबर बढ़ जाएगा वो मतलब आपका मेरिट नंबर कम हो जाएगा मतलब आप ऊपर चले जाएंगे क्योंकि इतने परसेंटेज से आप नीचे गए थे तो इसको बारीकी से देखो यदि आप स्क्रूटिनी नहीं करते हैं तो उसमें उनका कोई रोल नहीं रहेगा आपका वही मेरिट नंबर रहेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो देखिए ये चीजें आपको इस डेट में करनी है उसके बाद में सर फिर क्या होगा तो ये एप्लीकेशन आपका बार बार आपके इसमें लॉगिन में रिवर्ट आते जाएगा कोई स्क्रूटिनी है आपने बोला है तो रिवर्ट आ जाएगा फिर से आप उसको आपके लॉगिन से कर सकते हैं मतलब पूरे कर्ता धर्ता कौन है आप आपका लॉगिन और आईडी तो उन दोनों को संभाल के रखिए आईडी और पासवर्ड को उसको मत भूलिए स्टेटस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन एंड ग्रीवेंसेज रेज बाई कैंडिडेट ये आपको ही बताना है अवेलेबल इन कैंडिडेट्स लॉगिन अलॉन्ग विद द लेटेस्ट रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट लास्ट में आपने क्या किया था उस एक्नॉलेजमेंट के साथ आपके अंदर आ जाएगा ये तो सिंपल सी प्रोसेस है अब आ गया फाइनल मेरिट लिस्ट पे ये करेक्ट हुआ फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगी और ये फाइनल मेरिट लिस्ट में जो नंबर आएगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू गेट द एडमिशन इन इंजीनियरिंग और एनी अदर फील्ड डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सीट मैट्रिक्स फिर आ जाएगा कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है कैटेगरी वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन सारी की सारी सीट्स पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाएगी वो आपको देखना है फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द कैप अब डालना है आपको ऑप्शंस यहाँ पे आपको सोचना है कि कौन से नंबर पे कौन सा ऑप्शन डालना है उसके लिए जैसे मैंने कहा है कि जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में यू कैन कॉन्टैक्ट्स विथ मी आई विल हेल्प यू वट एवर पॉसिबल हेल्प आई कैन डू इट या फिर आपके जो ऑप्शंस निकले वो ऑप्शंस आप डालिए उसके हिसाब से आपको डिस्प्ले हो जाएगा अब इंपॉर्टेंट बात है
आप एक से लेके 300 ऑप्शंस डाल सकते हैं मैक्सिमम। दूसरी बात, मिनिमम एक ऑप्शंस आपको डालना पड़ेगा। यदि आपका पहला ऑप्शन है तो वो ऑटो फ्रीज है, मतलब पहला ही ऑप्शन डाला है और वही मिला है तो वो ऑटो फ्रीज है, वहां पे आपको चॉइस नहीं रहेगी नॉट फ्रीज की एंड गो फॉर द बेटरमेंट। यदि आपको दूसरा, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, तो पहला ऑप्शन डाला आपने, दूसरा ऑप्शन डाला, तीसरा ऑप्शन डाला, चौथा ऑप्शन डाला, पांचवा ऑप्शन डाला और आपको ये 3 नंबर का ऑप्शन मिल गया जो भी है एक्स वाई जेड, ये एक्स है, वाई है, फिर जेड है, फिर ये पी है, फिर ये एन है, ये कॉलेजेस है मान लीजिए। सिंपल सी बात है, यदि आपको एक्स नंबर का कॉलेज मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा और उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, खत्म विषय। लेकिन तीसरे नंबर का कॉलेज मिला या दूसरा और उससे अन्य कोई कॉलेज मिला तो आपके पास चॉइस है। जेड पे आपको वो पूछेगा डू यू वॉन्ट टू फ्रीज, फ्रीज मतलब यस मुझे यही लेना है एडमिशन, और दूसरा होगा नॉट फ्रीज, नॉट फ्रीज का मतलब यस आई वांट दिस सीट बट आई वांट टू गो फॉर बेटरमेंट, लेकिन मैं अभी फिक्स नहीं करना चाहता हूं। नॉट फ्रीज का कंफ्यूजन दूर कीजिए, यदि आप नॉट फ्रीज करते हैं तो वो जो कॉलेज आपको मिला है उसका स्टेटस एज इट इज रहेगा। यदि आपको ऊपर का मतलब बेटरमेंट वाला कॉलेज नहीं मिलता है, उदाहरण के लिए आपने गवर्नमेंट डाला फिर COAP VIT ट्राई कर रहे हैं, मान लीजिए आपने फिर से उसको नॉट फ्रीज किया और सेकंड में गए और फिर आपने देखा कि वही ऑप्शन फॉर्म रहने दिया और आपको मान लीजिए COAP नहीं मिला तो आपका गवर्नमेंट एज इट इज है। क्लियर, ये चीज यहां पे होगी या आपको अलाउड होगा। तो ये होगा डिस्प्ले ऑफ द फर्स्ट राउंड। फिर आपने जाके वहां पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट यहां पे आ गया, उसके बाद में एक्सेप्टिंग ऑफरिंग ऑफ द सीट्स, जहां जहां जाना है कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कीजिए। इसके बाद में फिर डिस्प्ले होगा सीट मैट्रिक्स का, रिपोर्टिंग ऑफ द अलॉटेड कैंडिडेट सीट, राउंड टू का होगा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ईयर में अगले साल 1 जनवरी को डिस्प्ले होगा सेकेंड राउंड का सीट्स अवेलेबिलिटी, फिर यहाँ पे ऑप्शन भरिए, फिर यहाँ पे मेरिट लिस्ट, फिर वही प्रोसीजर चालू। तो इतना सिंपल प्रोसीजर है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, ऐसा ऐसा आपको करना है। इस बार पूरा का पूरा आपके ही लॉगिन और आईडी में दिया गया है, तो आपको सतर्कतापूर्वक ये करना है, जहाँ जहाँ आपको हेल्प लगे वहाँ वहाँ पे किसी नॉन इंसान की हेल्प आपको लेनी है और आपको ये प्रोसेस अच्छे से पार करना है। कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने फास्ट में इसलिए बोला है कि 5-10 मिनट में यदि होगा तो आप भी पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनोगे और आपको भी मजा आएगा। सो फ्रेंड्स, और जो डिटेल्स हमको मिलते जाएंगे वी विल शेयर ऑन दिस YouTube चैनल। सो हमारे साथ बने रहिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।